हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? आप आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं हूँ शिवा अंगारे। तो आज का वीडियो जो है, गर्मी शुरू हो गई है और बालों का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम गर्मियों में होता है। बाल चिपचिपे हो जाते हैं, बहुत ऑयली हो जाते हैं। आप कितना भी अच्छा शैम्पू यूज़ करो तब भी इतने चिपचिपे बाल हो जाते हैं। स्कैल्प पे बहुत सारे इन्फेक्शन ऐसे हो जाते हैं जिससे इतना ख़राब लगते हैं बाल। तो उसी के लिए मैं आपके लिए एक बहुत हेल्पफुल वीडियो लेके आई हूँ। तो आई होप आपको बहुत अच्छा लगेगा और मुझे लगता है कि बहुत फ़ायदा भी करेगा आपके बालों पे। तो उसी के ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है। तो चलते हैं वीडियो बनाने के लिए। ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि वीडियो बनाएं, मतलब आपको पैक बना के दिखाएं, क्योंकि बकवक करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। ठीक है, तो फिर चलते हैं वीडियो बनाने। पैक बनाने के लिए हमको चाहिए नीम की पत्तियाँ। ये फ्रेश नीम की पत्तियाँ ली हैं मैंने। इससे क्या होता है कि बालों में जो भी इन्फेक्शन होता है, फुंसियाँ हो जाती है और क्या बोलते हैं उसको, रूसी वगैरह होती है, उसको सही करता है। तो ये लिया है मैंने नीम की पत्तियाँ, और ये लिया है मैंने केले के छिलके। केले के छिलके का क्या होता है, इससे शाइनी हो जाते हैं बाल। शाइनी के साथ हेयर फॉल का भी सिस्टम जो होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। और ये लिया है मैंने फ्रेश एलोवेरा। तो एलोवेरा में क्या होता है कि आपके जो बालों की शाइन ख़त्म हो गई है और जो डैमेज हो गए बाल उनको भी रिपेयर करता है। और ये लिया है मैंने पुदीना, ये फ्रेश है। तो इसको भी मैंने थोड़ा सा साफ धुल लिया है इसको, तो ये आपके सर से ठंडक मिलती है इससे और स्कैल्प काफ़ी मजबूत होता है। और ये रॉ मिल्क है जो आपके बाल ख़राब हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, जैसे झड़ गए हैं तो उस जगह पे निकल नहीं रहे हैं दूसरे बाल, तो इसके लिए मैंने लिया ये रॉ मिल्क। और उसके बाद ये लेना है कैस्टर ऑयल। ये आपके बालों को मजबूत करता है, जड़ मजबूत करने के साथ साथ ये शाइनी भी बनाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने ये लिया है, मैं पूरा एक ही जार में पूरा मिक्स करके बना लूँगी। तो सबसे पहले हमको डालना है इसमें नीम की पत्तियाँ। ये नीम की पत्तियाँ डाली हैं और मैंने एक ही कटोरी ली है पुदीना की पत्तियाँ, तो ये भी डाल दूँगी मैं। और एक ही कटोरी लिया है मैंने ये केले के छिलके। और हमको लेना है ये एलोवेरा। एलोवेरा मुझे बस इतना चाहिए, साइड से हटा के ये, और इनको छिलके सहित पीसना है। तो मैं इसमें कट करके डाल दूँगी इस तरीके से। और रॉ मिल्क जो हमको चाहिए वो लेना है 4 चम्मच। 1, 2, 3, 4, ये 4 चम्मच हमने रॉ मिल्क लिया है। और लूँगी मैं कैस्टर ऑयल, ये भी मुझको मिनिमम 2 चम्मच चाहिए। 1 चम्मच और ये लेना है 2 चम्मच। और मैं इसको अच्छे से पीस लूँगी। ये देखिए मैंने पीस लिया, ये इस तरीके का एक थिक पेस्ट बन गया। अगर आपको चाहिए कि थोड़ा सा पतला होना चाहिए तो आप इसमें मिक्स कर सकते हो रॉ मिल्क, जितना ये अच्छा सा पेस्ट बन जाए। तो एक अच्छा सा पेस्ट बन गया ये, और मैं इसको एक बाउल में निकाल लूँगी। ये कुछ इस तरीके से बन गया। अब मैं दिखाऊंगी आपको लगा के कि किस तरीके से आपको अपने बालों में लगाना है। देखिए इस तरीका का पेस्ट बन गया है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि अपने बालों में से जो टैंग होते हैं, बाल फंस जाते हैं, तो सबसे पहले हम कॉम से उसको रिमूव करेंगे। तो इस तरीके से आप पहले कॉम कर लीजिए। मैं कॉम कर लूँगी इस तरीके से, और उसके बाद मैं लगा के दिखाऊँगी आपको पैक। तो आपको अपनी जो मांग एरिया होता है जी, जड़ों में, आपको जड़ों में लगाना है। उसके आपको सोचा है लेंथ में लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, जड़ों में ही पोषण मिलना चाहिए। सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन आपकी जड़ों में होता है। तो इस तरीके से मैं अपनी जड़ों में लगा के दिखाऊँ। इस तरीके से आपको अपनी पूरी जड़ों में लगाना है।
इस तरीके से मैंने अपने बालों की पूरी जड़ में लगा ली है। और आप चाहें तो अगर आपका पैक ज़्यादा बच गया है तो आप अपनी लेंथ में भी लगा सकते हैं। इस तरीके से आपको अपनी लेंथ में लगा लेना है और अपने बालों में लगा लेना है एक बर्ड। इस तरीके से आपको एक जूड़ा लगा के इसको सेट कर लेना है और मिनिमम आपको आधा घंटे का टाइम चाहिए इसको वॉश करने के लिए। तो मैं इसको सिक्योर कर लूँगी इस तरीके से। अब मैं अपने बालों को आपको वॉश करके दिखाती हूँ कि मेरे बाल कैसे हो गए हैं और शाइनी हो गए हैं। और आपको एक बात और याद रखनी है कि आपको इसको हफ्ते में दो बार यूज़ करना है, जब तक आपके बालों में फुंसियाँ हैं और डेंड्रफ है और भी बहुत तरह के इन्फेक्शन हो जाते हैं जो लाल लाल चट्टे से पड़ जाते हैं उनको भी रिमूव करता है। तो आपको इस तरीके को याद रखना है कि किस तरीके से आपको लगाना है। तो ट्रिक और ट्रिप दोनों को ही आप याद रखिए और फिर देखिए आपके बाल कितने शाइनी हो जाएंगे। तो मैं आपको वॉश करके दिखाती हूँ कि मेरे बाल किस तरीके से हो गए हैं। तो आई होप आपको वीडियो मेरी बहुत अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं आपके लिए इतनी अच्छी अच्छी वीडियो ला सकूं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय और आप अच्छे से रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।